सियाराम सियाराम जय जय राम जय जय श्री राम। नमस्कार, द पेन डाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में हो चुकी है। लगातार दर्शनार्थियों की भीड़ 23 जनवरी से वहां पहुंच रही है और वो यही नारा लगा रही है, जय जय श्री राम। श्रद्धालुओं की ये भीड़ जो अयोध्या आ रही है उसके आंकड़े अद्भुत हैं और इन आंकड़ों से एक नया कीर्तिमान भी बना है। क्या है ये कीर्तिमान, क्या है ये आंकड़े, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगले दिन से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचने लगी थी। देश विदेश से रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। अपने रामलला की एक झलक पाने के लिए ना तो अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी आई है और ना ही उनकी संख्या में। राम मंदिर आने वाले भक्त राघवेंद्र सरकार के दर्शन से अभिभूत हैं और अपने आराध्य के चरणों में खुले हाथ से चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। सभी भक्त अपनी सामर्थ्य अनुसार नकद धनराशि के अलावा सोने चांदी के आभूषण भी रामलला को अर्पित कर रहे हैं। एक माह के आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 65 लाख लोग राम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। भक्तों का उत्साह और उनकी आस्था का पता चढ़ावे के आंकड़ों को देखकर लगता है। आंकड़ों के मुताबिक एक माह में भक्तों ने श्री राम प्रभु के चरणों में 25 करोड़ रुपए की धनराशि अर्पित की। इसमें देशी विदेशी भक्तों द्वारा चेक और बैंक ड्राफ्ट से भेजी गई धनराशि शामिल नहीं है। राम भक्त अब तक 10 किलो से अधिक सोने और 25 किलो चांदी के आभूषण भगवान को अर्पित किए जा चुके हैं। इसमें से बहुत से आभूषण ऐसे हैं जो रामलला को पहनाए भी नहीं जा सकते, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट भक्तों की भावना का सम्मान करते हुए इन्हें ग्रहण कर रहा है। जिस तरह से देश विदेश से भक्तों की भीड़ रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रही है, उससे पता चलता है कि राम मंदिर की छवि वैश्विक है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भक्त शायद इसी भाव से दर्शन भी कर रहे हैं और चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। आप हमारा चैनल द पेन डाउन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट हमारे साथ हमेशा की तरह बनाए रखें। धन्यवाद।